डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के साथ आज जूनियर की आंसर की जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। बाकी की बातें बाद में करूँगी, पहले आंसर की डिस्कस कर लूँ। इससे पहले एक वीडियो बना था, वो ख़राब हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस बात पर, उसमें आवाज़ नहीं थी तो इसीलिए मैं अब और कोई बात नहीं कर रही। तो चलो आप पहले मैं आंसर के आपको मिलवा दूँ। पहला जो क्वेश्चन है, देयर इज अ वुमेन फ्रॉम द बैंक ऑन, वुमेन फ्रॉम द बैंक ऑन द फोन। ऑन द फोन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एंगेज इन कॉन्वर्सेशन। तो इसका आंसर है वन। क्वेश्चन नंबर टू, विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस डोंट वेट फॉर मी। इसका आंसर है आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आर यू लाइकली टू। इसका आंसर है टू। क्वेश्चन नंबर फोर, इसका आंसर है टू, बैंक्स लेंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 55 जो है उसका आंसर है द पुलिस आर टॉकिंग। पुलिस एक कलेक्टिव प्लूरल नाउन माना जाता है, तो पुलिस इज नहीं, पुलिस आर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में। ये मेरी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। और ये सीरीज है बी, बी सीरीज है ये। और ये नोवम, ये मैं लिख देती हूँ यहां पर, ये बी सीरीज है, इट्स बी सीरीज। नोवम ऑर्गेनम जो है वो लिखा गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। द पोएम्स एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कॉलरिज की कौन सी पोएम एक अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट है, दैट इज कुबला खान। विच ऑफ एटलस लिखी गई है शेले के द्वारा, का आंसर है शेले। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, द होल ऑफ इंडिया नोज मी। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू एडवेंचर, इसके लिए आएगा प्रीफिक्स है मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर। बहुत तेज बादल गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है, और इसके बावजूद भी मैं अपना काम कर रही हूं। वैसे इसमें कोई खास बात है नहीं, कौन सा मेरे सर पे छत नहीं है, मगर फिर भी बताना मेरा फर्ज था। आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। इस क्वेश्चन का आंसर है आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड। फोन बज रहा है, जरा देख लो, पता नहीं कौन फोन कर रहा है। आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ब डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, तो लीव कर देना, तो इसीलिए है कि ओन, पजेस, लीव, सपोर्ट, तो इसका होगा थ्री। सप्लाई द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक, आई हैव ईटन नथिंग डैश यस्टरडे। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे सिंस, सिंस यस्टरडे, तो ये आएगा सिंस। ठीक है जी, देखो भाई इसमें मैं कुछ समझा नहीं रही हूं, केवल आंसर की दे रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है। भाई देखो इस पे बहुत से लोग कंफ्यूज ये हो गए कि अगर हैज हैव आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है इट वर्क्स एज अ कॉप्यूला, तो उसे कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। टू एंड थ्री मेक फाइव, ये भी आ गया आपका, ये तो भाई इंडेफिनेट टेंस ही है। बासमती राइस हैज अ स्वीट फ्लेवर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि बासमती राइस का फ्लेवर जो है वो स्वीट होता है। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट टेंस सिंपल नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर वन, आई यूज टू गो फॉर अ स्विम एवरी डे, तो ये जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ब नहीं है। तो इसमें से जो वर्ब नहीं है, आप ही देखिए, रिगार्डेड, कन्वेड, रिजेक्टेड, ये सब है, लेकिन पर्पस जो है वो नाउन है, तो पर्पस जो है दैट इज नॉट अ वर्ब।
उसके बाद हमारी स्टूडेंट ने इसमें कर दिया है, इसमें से कौन सा नाउन नहीं है, इसने प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट नहीं है, दैट कैशी ये एडजेक्टिव है, तो अट्रैक्टिव को बोला जाता है। जी बी शॉ, क्वेश्चन नंबर 69 है, द सब्जेक्ट जो जी बी शॉ टैकल्ड इन मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन वॉज, मिस्टर वॉरेन्स मिसेस वॉरेन प्रोफेशन वॉज, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर आप लोगों को याद हो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया था कि कार्लाइल की पोएम से डिकेंस ने जो है वो प्रभावित होकर अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा है, तो जिन लोगों ने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा, तो इसका आंसर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड टू रीसर्फेस इन लेटर लिटररी वर्क सच एज अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज पेरिस और लंडन की कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका बेसिस है। सर जॉन फॉलस्टॉफ जो कि कॉमिक कैरेक्टर है शेक्सपियर का, वो किसमें दिखाए गए हैं, ये हेनरी फोर्थ पार्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लाइंस आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच पोएम, फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, ये इसने पागल ने गलत लगा दिया है, और भाई बुरा मत मानना, मैं तुम्हें पागल कह रही हूँ, वैसे तो तुम्हें मैं और क्लास में पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ, तो ये जो है तुम ये सोचो कि मैम ने यूट्यूब पर भी मुझे ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं, बच्चों को जो है ना टीचर्स कुछ भी कह देते हैं। तो ये है ओड टू अ नाइटिंगेल, ये लाइन्स है ओड टू अ नाइटिंगेल की, अरे ओड टू ऑटम क्यों लगा दिया। शैलेज एडोनिस इज अ थ्रेनोडी मॉर्निंग द डेथ ऑफ, शैले की एडोनिस जो है वो कीट्स की मृत्यु पर विलाप करते हुए लिखी गई है, तो दैट इज 73 का आंसर है जॉन कीट्स। हु इज द हीरो इन हार्डी इज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का हीरो है माइकल हेंचर्ड, तो दैट इज हेंचर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी वॉज अ नॉवलिस्ट ऑफ, हार्डी नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एज के, ही वॉज अ नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमेन इज, वुमेन के द्वारा वर्क कौन सा है, भाई देखो ऐसा है कि ये तीनों जो वर्क है ना ये आदमियों के द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर, शेक्सपियर, फेरी क्वीन स्पेंसर, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, दैट, तो भाई एक ही बचते हैं जिन्होंने है, तो ये है द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, अब मुझे पता है इन्होंने भी ऐसे ही निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर के जो फ्रेंड एंड पैट्रन थे 77 है वो कौन थे, तो दैट इज हेनरी रोजले द अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, तो इसका आंसर है 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्क ऑफ अ सस्टेन्ड यूज ऑफ एलिटरेटिव पोएट्री बाय चौसर, एलिटरेटिव पोएट्री जिसमें कॉन्सोनेंट्स का यूज किया जाता है, एक्चुअली चौसर के बारे में ये कहा जाता है कि ही डिड नॉट लाइक एलिटरेटिव पोएट्री ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, तो उन्होंने अपनी पोएम्स में से यूज नहीं करा। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि चौसर ने ना उसमें अपनी पार्सन्स टेल के कुछ पॉइंट्स में, कुछ लाइन्स में एलिटरेटिव पोएट्री को डिस्कार्ड करते हुए इसे यूज करा है, तो ये पार्सन्स टेल है, इसका आंसर जो है वो पार्सन्स टेल है, तो इसका बहुत से लोगों ने ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी लगाया, मेरा मानना ये है कि पार्सन्स टेल है, अब वो क्या मानते हैं दैट डिपेंड्स। इंग्लिश हैज एन अनयूजुअली लार्ज वोकैबुलरी बिकॉज, इंग्लिश की वोकैबुलरी लार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी लैंग्वेजेस का समावेश है, तो ये है इसका आंसर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ द केल्ट्स इन गॉल हु वर कॉन्कर्ड बाय सीजर, जो केल्ट्स की लैंग्वेज थी, अब देखो जर्मनिक लगा दी है तो जर्मनिक ट्राइब्स की लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज थी गैलिक, दैट वॉज गैलिक, गैलिक लैंग्वेज थी। लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट, एक बात है वैसे टी एस एलियट सबको पसंद बहुत है, तो ये उन्हीं का है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की लाइन है ये। एंड द नेक्स्ट वन इज 82, एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो टाइटल लिया गया है टेम्पेस्ट से, इट द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट। और इंग्लिश डिक्शनरी का जो उसका पब्लिकेशन का किसको जाता है, ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1755। हालांकि इससे पहले भी एक आ चुकी थी द अल्फाबेटिकल टेबल 1604 में जो आई है, लेकिन ये इसका इनमें से जो है श्रेय जाता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। कंसीट यानी कि फार फैचर्ड इमेजेस का जो ट्रेट है वो पाया जाता है मेटाफिजिकल पोएट्स में, तो ये सही है इनका।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो कौन सी एज में है, दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड. कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है इट इज एसोसिएटेड विद रेस्टोरेशन पीरियड. इनमें से मैस्कुलिन जेंडर चेंज करना है तो लेट्स जार, दैट्स जार, जारीना, सिग्नोरा एंड पीएन जो है ये सारे के फेमिनिन है, जार. टीडीएस का मतलब होता है लंबा, उबाऊ और बहुत ही कठिन कार्य होता है, तो इसका एंटोनिम होगा इजी. 87 का वन. 88, दिस इज द बॉय हूज मदर हैज डाइड. भाई बॉय को जो बारे में बताए, हूज मदर हैज डाइड, जो दिस इज द बॉय हूज मदर हैज डाइड, ये बता किसके बारे में रहा है, बॉय के बारे में. तो जो भी चीज नाउन के बारे में बताती है वो कौन सा क्लॉज होता है, दैट्स एडजेक्टिव क्लॉज. और ये मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि क्लॉज तो मैं डूब के पढ़ाती हूँ बिल्कुल. गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स नेशंस एंगेज इन वॉर. नेशंस एंगेज इन वॉर को क्या कहा जाएगा, बेलिजरेंट्स, लड़ाकू. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. दो ही इज पुअर बट ही इज ऑन इट. ऑल दो और दो को जो फॉलो करता है या तो कॉमा या येट फॉलो करता है, यहाँ पे हालांकि दोनों दे रखे हैं मगर और कोई सा बैठेगा नहीं. तो ये है दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट. सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल्स. द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट. द लायन इज द स्ट्रॉन्ग बीस्ट. अ लायन इज द स्ट्रॉन्ग बीस्ट. एन तो हो ही नहीं सकता. द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट. तो द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट, ये सही है क्योंकि अपनी क्लास को बताते हुए और एक जनरल सेंस में बता रहे हैं. तो द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट. यूज द सूटेबल आर्टिकल. कॉपर इज अ यूजफुल मेटल. तो यहां आएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज She returned to the house where she. अब आप यहां देख सकते हैं कि इनमें से सबसे सही ऑप्शन had been staying वाला ही है, बाकी तो सारे ऑप्शन ही गलत है. Where she had been staying with friends. तो वन है 23 का वन. 94. Complete the sentence by filling the blank. I saw him first dash after midnight. भाई अधरात्रि के बाद. A little after midnight का मतलब होता है I saw him first. A little after midnight का मतलब होता है कि अर्धरात्रि के, थोड़ा बहुत अर्धरात्रि बीतने के बाद. तो the little after midnight नहीं हो सकता, that is a little after midnight. One. Dash had actually seen Jones fire the guns. None of the witness. अब आप यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, none of the witness कर दिया. भाई of के बाद जो noun आता है ना वो plural आता है, तो इसका answer है two. None of the witnesses. Of के बाद आने वाला noun plural होता है और verb जो होता है वो singular होगा जब none के बाद आता है. तो इसका answer होगा two. Who among the following is called a belated नहीं ये रहा है. When was the Wasteland published? Wasteland कब publish हुई थी? Wasteland का publish होने का है 1922. ये year जो है एक landmark year माना जाता है. Who among the following is called a belated romantic? इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये ए हाउसमैन है या थॉमस हार्डी है. तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देखते हुए ये थॉमस हार्डी को है कि हार्डी को belated romantic माना जाता है. अब ये पोयम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पार्ट्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन अवे आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, द सी दैट बेयर्स आवर बोसम टू द मून, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. According to the poem, we are out of tune. हम किस चीज से अलग हो गए हैं? तो हम अलग हो गए हैं नेचर से. We are out of tune from nature. तो इसका आंसर है 98 का वन. 99 का है where are we laying waste our powers? हम अपने powers को कहाँ waste कर रहे हैं? तो In pursuit of the materialistic world. ये थ्री है इसका आंसर, in pursuit of the materialistic world. Now the next question is, in the poem the poet desires that we should enjoy this world of nature and beauty, enjoy this world of getting in dislike nature. तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वन ही है. हालांकि बहुत ही
कुछ एक दो तीन क्वेश्चन को छोड़ दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज अ सॉर्डिड बून. सॉर्डिड बून है क्या? हार्ट्स, आवर माइंड, आवर प्लेजर इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, आवर मॉडर्न अप्रोच. तो हमारा जो सॉर्डिड बून है वो है पैसा. तो दैट इज आवर प्लेजर्स इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग. What part of speech is the word and in the following sentence? Harrison marched him to the door, threw him out and returned. तो and जो है वो है क्या? तो आप यहाँ पर देखिए जो दो जो है Harrison marched him, भाई जो जोड़ते हैं उसको conjunction जो है, ये जो conjunction होते हैं ये वाले, वो एक समान verbs को जोड़ रहे हैं. Harrison marched him to the door, थ्रू आउट एंड रिटर्न. तो ये जो है आप यहां पर ये देखिए ये कंजंक्शन है, तो दैट इज कंजंक्शन. 103 द वर्ड न्यू इन द फ्रेज न्यू आइडिया. तो देखिए ये जो है ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो इट्स एन एडजेक्टिव. पार्ट्स ऑफ स्पीच इट्स एन एडजेक्टिव. तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैं इन चीजों पर बहुत जोर देती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, क्लॉजेस पे. तो देख लीजिए आज वो क्वेश्चंस आ गए, हालांकि इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. मुश्किल क्या, मैं तो कहूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फिर भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच. देखिए रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये होता है कि जो हम किसी चीज़ का, जो किसी के कहे हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में बनाते हैं, दैट इज रिपोर्टेड. और डायरेक्ट स्पीच होता है किसी के शब्दों को एज इट इज कहना. तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है. तो इसका आंसर है 4. इट्स ये डायरेक्ट स्पीच है. 105 विच ऑफ द, ये डायरेक्ट स्पीच कौन सी है इसमें, ये सारे के सारे रिपोर्टेड है. डायरेक्ट स्पीच इसमें ये वाली है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाली. तो ये है इज इन डायरेक्ट स्पीच. आई डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक. Which of the following is not in the past tense? She won the Pulitzer Prize. Honesty is the best policy. और आपको देख के सामने पता चल रहा है, कई बार मुझे लगता है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये है इसका आंसर, 106 का 2 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 107. Eliot dedicated the wasteland to. Eliot ने अपनी ये जो पोयम है वो डेडिकेट करी थी अपने मेंटोर एज्रा पाउंड को. तो ये एज्रा पाउंड को है, इल मिगली और फेब्रो जो मैंने आप लोगों को बताया था. मैथ्यू आर्नल्ड की सोराब एंड रुस्तम कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है शाहनामा से. मैथ्यू आर्नल्ड का लिया गया है शाहनामा से. इन द वेल नोन पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस द वर्ड कॉय मीन्स. कॉय का मतलब होता है शर्मीला या शर्मीली. तो इसका आंसर है शाय. How many pilgrims are there in the prologue to the Canterbury Tales, including the poet himself? By 29 pilgrims हैं, plus one poet हो गया, तो 30 हो गए. फिर हैरी बेले भी जोड़ दो तो 31 हो गए. तो इसीलिए ये 29 नहीं है, ये 30 है. Pilgrims थे 29, including the poet, तो 30 हो गए ना. कह रही हूँ मैं, गलत कह रही हूँ मैं? 29 प्लस 1 सही कह रही हूँ ऐसा तो मैं. तो मैंने आपको बताया इसका आंसर है 30, इंक्लूडिंग द पॉइंट 30 है. वैसे 29 है, 29 पिलग्रिम्स के साथ उसको मिलता है. तो इसमें क्वेश्चंस पे काफी कंफ्यूजन हो जाती है. उसके बाद है द बुक ऑफ द डचेस. बुक ऑफ डचेस जो लिखा गया था वो लिखी है जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की मृत्यु के उपरांत, जो कि चौसर के ब्रदर इन लॉ भी थे. तो जॉन ऑफ गॉन्ट, नवाबली ने एडवर्ड 3rd क्यों लगा दिया भगवान जाने. हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो. ये ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट किसकी है? सबको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स, रॉबर्ट ग्रीन की. रॉबर्ट ग्रीन. बेन जॉनसन वॉज एसोसिएटेड विथ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से एसोसिएटेड है बेन जॉनसन. उसके बाद आता है लिसिडस. लिसिडस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ. लिसिडस एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ, वह मिल्टन नहीं है, एडवर्ड किंग. एडवर्ड किंग की मृत्यु पर. तो 114 का आंसर है 3. भाई जब आप लोग पेपर देखोगे ये वाला तो मेरी आवाज भी सुन लेना, ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूं. वैसे तो आजकल मेरी आवाज बहुत गंदी हो रही है, मगर फिर भी कोई बात नहीं, सुन लेना.
विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ड्राइडन रॉट, ये सभी लोगों को, ये सभी मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा, भगवान जी ने मैंने कितनी बार बताया है ये वाला क्वेश्चन कि ड्राइडन ने जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए थे तो उन्होंने पोएम लिखी थी एस्ट्रियाडस। तो ये देखिए, ये पेपर जो है वाकई में ऐसे ही लग रहा है जैसे कि जो मैं पढ़ाती थी वही जो है ले लिए गए हैं क्वेश्चंस। ऑरियोपैजिटिका नोबल एंड इम्पैशन्ड प्ली फॉर द लिबर्टी ऑफ द प्रेस इज अ बुक बाय, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जोक कर रही हूं, मैं जोकिंग कर रही हूं, ये पूरा का पूरा मैं पैसेज पढ़ना होगा। इन द मॉडर्न वर्ल्ड मेनी न्यू प्रॉब्लम्स हैव अराइजन ओइंग टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। भाई मैं तेज चल रही हूं इसमें क्योंकि इसमें मैं समझा कुछ नहीं रही हूं। एंड द पेट्रोल इंजन इन्वेंशंस व्हिच हैव मेड इट पॉसिबल टू ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड्स। Speed of transport has become the greatest feature of the modern industrial world. Rapid transport saves so much valuable time that designers and mechanics everywhere are doing their utmost to increase the speeds of motor cars, ships and aeroplanes. What has given birth to many new problems in the modern world? आप ये देखिए, many new problems have arisen owing to the invention of the steam engine and the petrol engine. ठीक है, तो इसका आंसर है invention of the steam engine and The पेट्रोल इंजन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई बच्चों का सा पैसेज है। उसके बाद है 118, व्हाट हैज बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, स्पीड ऑफ कंप्यूटर हैंडलिंग, स्पीड ऑफ टाइपिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका आंसर है 3, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव, रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव करता है टाइम, तो इट सेव्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, 119 का आंसर है 3। Who are busy in increasing the speeds of cars, ships and aeroplanes? That is designers and mechanics. तो ये है इसका आंसर 1। ठीक है जी। Now next question. In the course of centuries, English has built up an unusual capacity for. English ने किस चीज की capacity बना ली है? English लगातार change हो रही है, assimilating outside elements. लगातार चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर रही है। तो इसका आंसर है 2. That's 2. The tribes that gave to England old English were, भाई जो ये Germanic tribes थी और ये जो जिन्हें Teutonics भी कहा जाता था, तो ये Germanic invaders थे Anglo-Saxons and Jutes. Reflexive pronoun use करना है, they heard themselves. How many kinds of noun are used in English grammar? अब इसके ना अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मॉडर्न में जो है वो 3 ही माने जाते हैं, अब पहले जो है वो 5 होते थे, तो अब ये कौन सा मानेंगे, दैट डिपेंड्स। ठीक है जी, तो मैं इसमें 5 ही जो है वो ले रही हूँ, अब ये मॉडर्न ग्रामर में कितने मानेंगे, दैट डिपेंड्स। How many sections are there in E.M. Foster's A Passage to India? 3 parts hai, Passage to India ke 3 parts hai. To 125 ka answer hai 1. The Shepherd's Calendar jo ki Spencer ne likha hai, usme eclogues hai kitne, 12. To iska answer hai 4, 12. Question number 127. What is Spencer's 88 Petrarchan Sonnet series called? Uska naam hai Amoretti. To iska answer hai 3. 127 ka answer hai 3. Question number 128. Who wrote the two long narrative poems, Venus and Adonis and the Rape of the Lock? Rape of Lucrece, sorry. That's Shakespeare. Shakespeare ne likhi hai dono poems jo hai, Venus and Adonis and Rape of Lucrece. Iske baad aate hai 129 ke baad aate hai. Every man is a title of. Mujhe samajh mein nahi aata isne kya soch ke iska mystery play laga diya. Iska answer hai morality play. Every man is a title of morality play. तो इसका आंसर है 129 का 2। यूफियस वॉज रिटन बाय लिली, व्हाट वॉज द सबटाइटल ऑफ यूफियस? यूफियस का सबटाइटल है द एनाटॉमी ऑफ विट। ये भी गलत कर रखा है, दैट इज भूल गए, पढ़ाया तो मैंने बहुत लेकिन गलतियां देखकर लग रहा है कि बीच बीच में कंफ्यूज ही आ गए है ना। हां जी, 130 का आंसर है 3।
Who wrote the lines? Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं. देखिए किसी को भी नहीं पता होगा ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और ये जो है मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कहा गया था. वर्ड्सवर्थ ने कही है लाइन्स कम से कम 36 बार तो इसे मैं ही अपने चैनल पर बता चुकी होंगी. राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर वॉज इंक्लूडेड इन. राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर जो इंक्लूड है वो लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूडेड है. तो इसका आंसर है आपका दैट इज वन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोप्स मेजर पोएम वॉज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वॉज कंप्लीटेड. इनका कहने का मतलब यह है कि कोई जो पार्ट्स में नहीं है विच इज कंप्लीटेड तो वो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म. बाकी के पार्ट्स हैं एसे ऑन मैन एक शॉर्ट पोएम एपिस्टलरी पोएम है. तो बाकी रेप ऑफ द लॉग इनके पार्ट्स हैं डंसियाड के एसे ऑन क्रिटिसिज्म. द रेस्टोरेशन इज सेट टू बिगिन विद द अराइवल ऑफ पर्टिकुलर मोनार्क. रेस्टोरेशन कौन से मोनार्क के आने से माना जाता है? चार्ल्स सेकंड. दैट इज फोर. चार्ल्स सेकंड के आने से रेस्टोरेशन माना जाता है. इन विच लिटरेरी वर्क डू वी कम अक्रॉस अ पैलेस फायर इन लिलीपुट. ये लिलीपुट और ये जो है होहम्स ये जितने भी जो हैं ये हमें स्विफ्ट के पॉलिटिकल सटायर में मिलते हैं जिसका नाम है गुलीवर्स ट्रेवल्स. दैट इज गुलीवर्स ट्रेवल्स. वेसेक्स नॉवल्स जो है ये एसोसिएटेड विद हार्डी. हार्डी रीजनल नॉवलिस्ट हैं तो ये हार्डी 136 का है 3. Now the next one is 137. Rosie एक character किस novel में है? तो Rosie is a character in R.K. Narayan's novel The Guide. Guide का character है. The four wheels of English novel comprises Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett and Lawrence Stern. इसका answer है 2. Lawrence Stern. द टर्म पिकारस इन लिटरेचर मीन्स. पिकारस का मतलब क्या होता है? एडवेंचर ऑफ अ पर्सन. द एडवेंचर्स ऑफ अ रग. एडवेंचर ऑफ अ पर्सन. द पोएटिक फॉर्म मॉक एपिक इज एसोसिएटेड विद. मॉक एपिक इज एसोसिएटेड विद एलेक्जेंडर पोप. Who among the following dramatists was a writer of problem plays? Problem plays के writer इनमें से कौन से हैं? तो John Lyly, William Shakespeare, Christopher Marlowe या Bernard Shaw? तो देखिए problem plays बहुत बाद में जो नाम है वो बहुत बाद में दिया गया. Shakespeare के कुछ play को बोस्त नाम दिया था लेकिन वैसे जो problem plays के इनमें से writer माने जाते हैं वो George Bernard Shaw. An elegy is a poem of. Elegy is a poem of mourning. दुख भरी पोयम को कहा जाता है. The first 24 lines of Paradise Lost is called. पहली 24 lines क्या है? Invocation. Invocation है. Which of the following sentences is correct? The sun rises in the east and sets in the west. तो ये है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो यहां पर आएगा आपका 4 है इसका आंसर. 144 का आंसर है 4. 145. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एडजेक्टिव गर्ल. ही मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू. ही मेट अ गर्ल हु हैड ब्लू आईज. अब ये देखिए ये भी कर रहा है ही मेट अ गर्ल. तो यहां से हुज आईज गर्ल के बारे में बता रहा है. तो ही मेट अ गर्ल जिसकी आंखें जो है वो नीली थी. तो यहां पर हु हैड ब्लू आईज. अब यहां पर अभी किसको मानेंगे? ये जो है ही मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू. तो यहां पर जो है ये हुज आईज वर ब्लू ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. वैसे तो ये भी होना चाहिए. द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. भाई उसके ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन ठीक है. आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स. फॉर अ सेंस आता है तो परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. 4. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स. अब इस क्वेश्चन में है आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे. टुडे से पता चला काम समाप्त हो गया.
किसी कोई पास्ट का जो है वो इंडिकेशन दे दिया, तो यहां पर आएगा आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टूडे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस. अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट. तो इसका आंसर है वन, तो यहां पर आएगा वन, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट. नाउ द नेक्स्ट वन इज चेंज द वॉइस. द पीएन ओपन द गेट. द गेट वॉज ओपन बाय द पीएन. द गेट वॉज ओपन बाय द पीएन. तो ये हो गए आपके यहां तक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के जो आप आंसर की है अपनी मिला लीजिएगा. और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के जो मैंने करवाए हैं और जो आप लोग खुद पढ़ रहे हैं वही आएंगे. आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही क्वेश्चन पूछे हैं. 6 to 12 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. उनका उन्होंने साफ मेंशन किया था कि ग्रेजुएशन लेवल है, तो उन्होंने जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लगा हुआ है उसी के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं. जिन्होंने मेरी सीरीज़ को ढंग से देखा होगा उनको सब ये क्वेश्चन उसको जरूर मिले होंगे. और जो मेरे से पढ़ रहे थे उनके तो मैं ये मानती हूँ कि 90 से जो मुझसे मेरे ऐप पे पढ़ रहे थे 90 से 95 क्वेश्चंस जो मिले. अभी मेरे स्टूडेंट्स का जो है मैसेज आया है कि आपने कहा था कि आप पे भगवान की कृपा है कि जो आप करवाती हैं वो आ जाता है. तो ये मैं मानती हूँ भगवान की कृपा के साथ साथ एक ये भी चीज़ है, कुछ छोड़ो ही मत ना पढ़ाने से. तो जब अब आप सब कुछ थॉरली पढ़ते हैं तो वो चीज़ एग्ज़ाम में आ भी जाती है. मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर इतना मुश्किल था, ये था वो था, मगर मुझे लगता है ये पेपर उनके लिए ज़रूर मुश्किल रहा होगा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ढंग से पढ़कर नहीं गए होंगे. उनके लिए पेपर मुश्किल रहा होगा. वैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर ध्यान देते हैं, उनके लिए पेपर मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी मुश्किल रहा होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आपके बेटर फ्यूचर के लिए मैं आप लोगों को दुआ देती हूँ. और अपना स्कोर अगर आप शेयर करना चाहें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो आप जरूर बता सकते हैं. भाई देखिए, एक दो क्वेश्चन को वो लोग क्या मानते हैं वो मैं नहीं कह सकती. वैसे तो 99% तो मेरी आंसर की ठीक ही है. एक दो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हो सकता है वो कुछ माने और जो है मैंने कुछ और मान रखा हो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.